जहानाबाद श्रम विभाग और जनसाहस संस्था के प्रयास से 40 मजदूरों को अमानवीय यातना से मुक्ति दिलाई गई। श्रम विभाग और जनसाहस संस्था ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से करीब 40 मजदूरों को मुक्त कराया। सभी मजदूरों को संस्था के लोगों के माध्यम से जहानाबाद लाया गया और फिर सभी लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। संस्था के सदस्य ने बताया कि जहानाबाद और गया जिले के करीब 40 लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जैतपुर में एक ईंट भट्ठा पर काम कर रहे थे। भट्ठा मालिक द्वारा सिर्फ खाना खिलाया जाता था और उनसे जबरन काम कराया जाता था। सभी लोग भट्ठा मालिक के काम कराने के तरीके से परेशान थे और घर वापस आना चाहते थे, लेकिन सभी लोग भट्ठा मालिक के चंगुल में फंसे हुए थे। इस बात की जानकारी जहानाबाद श्रम विभाग को दी गई। तब जहानाबाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने जिलाधिकारी के अनुशंसा पर टीम गठित कर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंची और ईंट भट्ठा पर छापेमारी कर वहां मौजूद गया और जहानाबाद के मजदूरों को मुक्त कराया और फिर वहां से लाकर उनके घर पहुंचाया गया। मजदूरों ने बताया कि उनसे काम कराया जाता था, सिर्फ खाने को दिया जाता था, उनका वेतन भी उनके हाथ में नहीं दिया जाता था और उन्हें वापस आने भी नहीं दिया जा रहा था। अमानवीय यातनाओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। दिक्कत ये है सर, मैं 150-250 रुपया खर्चा था। हम सब मैं बोले बाबू जी ठेकेदार जी मैं पैसा दिलाई है तो कहा ऐसा पाथेगा तब बेटे तो उसको पैसा मिलेगी। 200 रुपया में कहा 150 रुपया में खा लेंगे बाबू जी। हाँ मारो पीट करता था। हाँ जी, तो बंधक बनाए हुए था आप लोगों को जी, यहाँ आने नहीं देता था। नहीं आज नहीं। कहाँ घर आप लोग का? पुनादा सर। का नाम हुआ? जुदागी। पराठी में कमी कर रहा। अच्छा, 300 दे के वो 250 दे दे। अच्छा, ओकरा में हो गेल तक फिर जमना धुरी भी न दे। अच्छा, चली 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 सब चली। महिलो पर अच्छा पैसा मांगला पर मारपीट भी कर रहा लो? हाँ मारपीट तो कर दे रखे एक एक दू गो के। कितना आदमी तो नहीं हलू? चालीस आदमी। का नाम होलो तोर? का नाम होलो तोर? चंकू कुमार जी। कहाँ घर अब? हाँ पड़ा है श्रीनगर, पड़ा है टेकारी। टेकारी था जब हम लोग जनसाहस संस्था से हैं तो श्रम विभाग के से हम लोग जानकारी मिली थी कि यहाँ एप्लीकेशन दिए थे कि हमारे गांव के 40 मजदूर फंसे हुए हैं तो गोरखपुर में। हमारी संस्था गोरखपुर में भी डीएम से मिला, वहाँ पे जो यहाँ से लेटर भी गया था डीएम से। उसके बाद हम लोग ने रेस्क्यू टीम के साथ गया और सभी मजदूर को सुरक्षित छुड़ाया गया और सुरक्षित घर लाया जा रहा है और इनके पुनर्वास के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत मजदूर को हो रही थी कि सब लोग घर आना चाह रहे थे, इनको आने नहीं दिया जा रहा था। इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन दिया गया था इनके गांव से। तो क्या बंधक बनाए हुए था वहाँ? बंधक नहीं बनाए हुए थे, मतलब लोग को आने की सुविधा पैसा इनके पास नहीं था और जो भी मजदूरी बाकी था सभी को वहाँ मजदूरी दिलाया गया। तो कौन लोग रखे हुए थे इसको? वो ईंट भट्टा के मालिक रखे हुए थे। ये मजदूर है मखदुमपुर ब्लॉक के पुंदौल पुनादा गाँव के। जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के नौसहरा गाँव में शनिवार को ताड़ के पेड़ से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक नंदेश चौधरी ताड़ी उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा था, इसी दौरान पैर फिसलने से वो नीचे आ गिरा। आनन फानन में परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे जांच पड़ताल कर मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित किए जाने के साथ ही परिजनों में कोहराम मच गया। चीख पुकार से अस्पताल परिसर का माहौल भी गमगीन हो गया। परिजनों ने बताया कि नंदेश चौधरी घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, इन दिनों पेड़ से ताड़ी उतारकर उसे बेचने का काम करता था, लेकिन बदकिस्मती से हादसे का शिकार हो गया। अब परिवार अपने भरण पोषण को लेकर भी चिंतित है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। पर मतलब कि ताज चढ़े मतलब कि नौसहारा, मतलब कि उनका घर है घोसी भी नौसहारा। अच्छा, हम लेके गए थे। अच्छा, तार मतलब कि चढ़े गए तार पर से मनो खसा गए, हॉस्पिटल लाए वो डेट कर गए।